हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडमी दस एज मी डॉक्टर सिद्धार्थ फ्रेंड्स बहुत टाइम हो गया थ्री इयर्स अकेडमी मोर देन थ्री सो मेनी स्टूडेंट्स एंड सच ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ पढ़ाते टाइम और इस बात के मुझे आई डोंट ईन हैपीनेस कि ये कितना रिवॉर्डिंग जर्नी हुई है फॉर मी एज वेल एज फॉर माई लर्नर्स के मुझे कुछ हुआ कि UPSC aspirants जो हमारे साथ यूपीएससीड टू यूपीएससीट नॉट मेक दिसवर्टाजमेंट पार्ट दिल से दिल की बात दिल से दिल की बात यह कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऑल ओवर दिस कंट्री बड़ी मेहनत करते बट उनको कोई डायरेक्शन एक्चुअली नहीं देता उनको एक्चुअली रियलाइज करा दिया जाता है कि आप रट लो या तो रट लो जो कि क्या रटना भगवान जाने दूसरी बात है कि अगर रट भी लिया और तुमको कुछ सो कॉल्ड करंट अफेयर्स पढ़ा भी दिया तो वो इलेवेंट पढ़ाया जाता है एंड दैट इज द रीजन कि पूरा पूरा एक साल दो साल निकल जाते हैं एंड नथिंग इन देयर करियर राइट right. वो बेचारे पढ़ते रहते हैं मेहनत करते रहते एक अटेम्प्ट किया दो अटेम्प्ट किया फिर या तीन अटेम्प्ट किया जितने भी कर सकते हैं फिर हिम्मत हार के छोड़ के बैठ जाते आई डोंट ऑफ यू और ये एक्चुअली लॉस है ना ये एक्चुअली तो सिर्फ तुम्हारा ही लॉस नहीं ये एक्चुअली तो इस देश का भी लॉस है ना बिकॉज जस्ट बिकॉज आपको किसी ने ढंग से गाइडेंस नहीं दी जस्ट बिकॉज आपको किसी ने ढंग से बताया नहीं दैट इज द रीजन आप मे बी मे बी हु नोस यू नो कि इंडिया जस्ट लॉस्ट आउट ऑन वन ऑफ वेरी केपेबल तो मैंने ये सोचा है कि ऑन दिस यूट्यूब राइट मैं आपको एक ग्लिप्स दूंगा राइट right, कि आप लोग क्या गलत कर रहे हो नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे इन द सेंस मैं तुम्हें सही रास्ता बताऊंगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक लीडर बनाने का है इट इट इज इज चूजिंग अ लीडर लीडर यानी कि राजा ओके समथिंग लाइक दैट राइट लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज अ मोनार्क की बात नहीं कर रहा हूं लीडर ंग राइट right. और उसको समझने के लिए उसको ना सिर्फ सब्जेक्ट आना चाहिए उसको करंट अफेयर्स भी आना चाहिए उसको फिलोसफी भी समझ में आनी चाहिए उसको साइकोलॉजी भी समझ में आनी चाहिए उसको प्रीवियस लीडर्स और बड़े बड़े लोगों से सीख भी मिलनी चाहिए एंड सो सोन तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये नहीं जरूरी होता मैं तुम्हें गारंटी से बात बोलता हूँ ये जरूरी होता है बिकॉज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तुम्हें एग्जामिनर पकड़ लेगा जब मेंस का आंसर लिखोगे तो तुम्हारा आंसर बहुत बच्चों वाला आंसर होगा जब तुम इंटरव्यू में जाओगे तो तुम बहुत ही बेकार सा आंसर देकर आ जाओगे अगर वहां तक पहुंचे तो वैसे तो पहुंचोगे ही नहीं और प्रस की तो बात ही छोड़ दो बिकॉज आपकी टाइम मैनेजमेंट इतनी बुरी हो जाएगी आपका एटीट्यूड इतना खराब होगा आपकी स्ट्रेटेजी इतनी खराब होगी कि आप मे बी आप शायद प्रिलिम्स भी ना क्लियर कर पाओ सो so, मैं तुम्हें बनाऊंगा राजा यस आई मेक यू अंग आई एम द किंग मेकर राइट आई एम नॉट द किंग

So we will try and कि ये है किंग सीरीज एक वीडियो भी मत मिस करना बिकॉज मैं इसमें तुम्हें जो जो बताऊंगा तुम्हें कोई नहीं बताने वाला और तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला so sure पॉइंट और सब दोस्तों दुश्मन सबको फैला दो पता तो चले राजा बनते कैसे सो so आज के हमारे सीरीज में जो आज हाँ पहला वीडियो है आई एम डेडिकेटेड टू वॉट आर कॉल्ड एस द कोटरूम वॉरियर्स जजिस जिन्होंने लड़ा जस्टिस के लिए जिन्होंने लड़ा फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री जिन्होंने लड़ा फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज और उसी सीक्वेंस में आज आई विल डेडिकेट दिस वीडियो टू एडवोकेट हिंगोरानी मैं गारंटी से बोलता हूं बहुत सारे लोग जो ये यूपीएससी एस्पेरेंट अपने आप को सोकोल्ड बोलते हैं वो उनको मालूम भी नहीं होगा कि एडवोकेट कपिला हिंगोरानी है कौन और यही तो हाल है तुम्हारा हाल ही इतना बुरा क्या पढ़ाई करोगे सो मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग दिस एंड आई विल मेक यू द किंग सो आई एम आई एम द किंग मेकर फॉर यू गेट रेडी टू बिकम अ किंग आई विल मेक यू द किंग द किंग इज इन इन द फॉर्म ऑफ अ लीडर आई यू रेडी सो एम आई सो लेटेस्ट दिस ब्रांड न्यूज फेरीज एंड दीरीज इज कॉल्ड एस द किंग मेकर सीरीज सो लेट्स डू इट पार्ट तो हम लोग इसमें करेंगे क्या सो किंग मेकर सीरीज बाय डॉक्टर सिद्धार्थ में हम करेंगे ओके ऑफ डिफरेंट पर्सोनास बुक समरीज फिलोसफी पढ़ने की कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स करेंगे हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे लैटरल थिंकिंग समझेंगे साइकोलॉजी करेंगे रियल कोर्ट केसेस पढ़ने की कोशिश करेंगे एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट स्पीचेस ऑफ ग्रेट मेन एंड वुमेन इंटरव्यूज ऑफ टॉपर्स लॉयर्स एंड अदर स्टॉलवर्स इंप्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो कि एक्चुअली तुम्हारे लिए बड़ी जरूरी होगी और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फिलोसफी इंटरेस्टिंग एनेक्डोर्स एंड रेलिवेंट तुम्हारा स्वागत है, हमारी पे, जो है जो तुमको एक होलसम एजुकेशन देगा जो तुमको एक एज देगा विल बी आई एम डॉक्टर सिद्धार्थरोडमी की दुनिया में मुझे कोर्स एस आई डी एल आई वी के नाम से जाना जाता है तुम्हें मालूम है ये सबसे पॉपुलर एंड लार्जेस्ट एंड द टीम है said like मेरा रेफरल कोड है प्लीज यूज दिस टू ज्वाइन प्लस क्लासेस 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 ऑप्शनल आइकॉनिक सो 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 ऑन एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल और प्लीज जॉइन टू रिसीव अपडेटेड नॉलेज ऑफ पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन और जो भी मुझे तुम्हारे साथ शेयर करना होगा कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी पार्लियामेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल डोमेन में मैं सब कुछ तुम्हें इसी में शो, शो करूंगा बहुत लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स बोले एन अकेडमी के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला ऑनलाइन क्या होगा टाइम पास होगा इतने सारे टॉपर्स आ गए ना पिछले दो सालों में कि सब चुप हो गए इज क्वाइट इनफैक्ट सब लोग ऑनलाइन ऑनलाइन कर रहे सो वाई एन अकेडमी बिकॉज वी हैव द दाइडस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स द द बेस्ट बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स अनलिमिटेड व्यूज डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन प्रिंटेड नोट्स एंड टू एंड प्रिपरेशन लाइनमेंट ऑफ डेली आंसर राइटिंग प्लानिंग और सारे सब्जेक्ट से प्रेन मेन से लेकर ऑप्शनल तक ऑप्शन लेकर इंटरव्यू तक आपका साथ देगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हो आप इस कोड को भी स्कैन कर लीजिए आप इस टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो दिस इज टीम सेट लाइव आईव टेकन मोर देर्टीन हंड्रेड क्लासेस माई लाइफ टाइम मोर देन ट्वेंटी एट हंड्रेड आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग विद मोर देन फाइव लाख लर्नर्स फॉर मोर देन नाइनटीन करोड़ मिनट्स We're having 63,757 rankers. This is the power of Set LINE. So, this is my intention. Se, mere niyat safhe, and I'm very, very proud of my learners. I make kings. So, this is the entire part of Team said Life, And please be a part of this. Iconic subscription benefits. Agar aapko lene so, these are all available. Even loan for UPSC Civil Service examinations available at 0% EMI. आज का टॉपिंग एडवोकेट कपिला हिंगुरानी। तो एडवोकेट कपिला हिंगुरानी, सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट थी और जो लोग एक्चुअली बड़े सैड है हमारा कि बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे देश के लोग जानते नहीं कि एक बहुत बड़ी जंग एक बहुत बड़ा पर्स्यूट लड़ा जाता है विद इन द कोर्ट रूम्स ऑल्सो बहुत सारी चीजें जो हमें एंड रिजल्ट पे आज दिखाई दे जाती है उसके लिए लॉयर्स ने जजेस ने एवरी वन हुज बिन फाइटिंग फॉर जस्टिस एंड अपील कर देते हैं जो एप्लीकेशन डाल देते हैं जो इंश्योर करते हैं कि टिल द लास्ट मोमेंट हम लोग लड़ जाएंगे भिड़ जाएंगे तब तक जस्टिस नहीं मिलेगा ये ये उनके ज्यादा तो लोगों को मालूम ही नहीं तो इनमें एडवोकेट कपिला हिंगोरानी मैडम का एक खास रोल है बिकॉज इन्होंने और इनको रेफर किया जाता है एस द मदर ऑफ पी आई एल रेवल्यूशन इन इंडिया आई होप तुमको आइडिया है मदर ऑफ पी आई एल रेवल्यूशन इन इंडिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित में जो हम लोग लिटिगेशन करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है दैट स्टार्टेड एक्चुअली तो उससे पहले हो चुका था मुंबई कामगार सभा में केस हो चुका था लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर केस है जो शायद तुमने सुना होगा और वो केस था द हुसैन आरा खातून केस सो so, हुसैन आरा खातून वॉज ए स्टेट ऑफ बिहार जिसके बारे में आज हम रेफर कर रहे वो मैडम कपिला हिंदोरानी की वजह से हुआ था और इसीलिए उनको क्रेडिट किया जाता है एज द मदर ऑफ पी एल रेवोल्यूशन इन इंडिया तुम्हें आइडिया हो रहा होगा कि मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये इर करंट अफेयर्स नहीं बढ़ाया जाता जैसे ज्यादातर पढ़ाया जाता है ओके बट अन अकेडमी पे हम लोग केवल सबस्टांशियल चीजें पढ़ाना चाहते हैं वो चीजें पढ़ाना चाहते हैं जो एक्चुअली मैटर करती है फॉर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सो ओवर जब आप पी आई एल पे आंसर लिखोगे, लिखोगे और अगर आपने गलती से मैडम कपिला कपिलाी का नाम ही नहीं लिखा तो तुमने लिखा क्या आता जाता कुछ नहीं कुछ भी लिख कर आ गए सो मेक श्योर दैट यू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैडम एडवोकेट कपिला हिंगुरानी तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं हुसैनारा खातून केस से रिलेटेड सो so, हुसैनारा खातून केस से रिलेटेड पहले आपको 1977 का एक इवेंट मालूम होना चाहिए सो एट दिस पार्ट एक नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया ओके तो प्लीज नोट्स करो ये तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा और राइट सो नेशनल पुलिस कमीशन नाइनटीन में बना जिसमें की एक मेंबर थे मिस्टर आर एफ रुस्तम जी आई होप तुम लिखते जा रहे हो तो आर एफ रुस्तम जी एक वन ऑफ द मेंबर्स थे और ये गवर्नमेंट का नेशनल पुलिस कमीशन था और उन्होंने बहुत सारे जेल्स में विजिट किया बिहार के बहुत सारे वेल्स में विजिट किया खासकर यहाँ का जो इवेंट जो हम बता रहे हैं वो बिहार के कुछ प्रेजेंट्स है मुजफ्फरपुर वगैरह में जहां पर उन्होंने विजिट किया तो ये नेशनल पुलिस कमीशन ने सर्वे कर रहा था कि जी पता नहीं कहां पर कितने लोगों का क्या हाल है जेल में क्या हाल चल रहा है एन सोन एन सो फुद वहां पर वो गए तो उनको रियलाइज हुआ कि बड़े अजीब से बात है अब तो मैं तुम्हें थोड़ा सा दे देता एक, तो सजा सुनानी होती है वो सुना लेते पर ट्रायल भी चल रहा होता है ट्रायल मतलब वो कार्रवाई भी अदालत की चल रही होती है जब अदालत की कार्रवाई चल रही होती है तो उनको अलग रखा जाता है और जो कॉन्विक्ट यानी कि जिनकी फाइनल सजा सुना दी गई है कि जी यू आर गिल्टी गिल चार्ज ये आपको दो साल की सजा पांच साल की सजा दस साल की सजा वोटेवर वो अलग होते पर केस भी हमारे यहाँ पे तुम्हें मालूम है चल रहे होते तो जब वो चल रहे होते और जब केस चल रहा होता है और उनके ऊपर ट्रायल के दौरान उनको जेल में डाला जाता है तो ऑब्वियसली उसको जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं उस टाइम पर वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं दे आर यूटीपीस उनको बोलते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को जेल में रखा जाता है अब प्रॉब्लम यहां पर यह है है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को जेल में रखना भी होता है, लेकिन कोशिश यह करनी है देखो यह बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 21 में लिखा है नो पर्सन शैल बी शेल ऑफ हिस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर बाय लॉ जिनको समझ में आ गया उनको समझ में आ गया नहीं आ गया तो एक बार आर्टिकल 21 खोल के देख लो तो नो पर्सन से भैया अब ना बेल मिल रही है okay? cases, बेल भी नहीं मिलती। अब बेल का भी एक अलग ही नियम है मैं एक दिन में अलग क्लास ले लूंगा जमानत भी नहीं मिल रही भाई उसको अंदर बैठा भी हुआ है जेल के अंदर तो वो कहलाता है यू टी पी अंडर ट्रायल प्रिजनर अब थोड़ी देर स्टेट की तरह सोचो थोड़ी देर एक कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड यूज करो तुम्हें नहीं लग रहा उस बेचारे के साथ बड़ा अजीब सब नो हादसा हो, हो रहा है कि उसका केस चल रहा है अभी तक तो यह भी नहीं पता है कि उसने जो गुना जिसका नाम लिया गया चार्जशीट में डाला गया या चार्जशीट चल भी रही है या वटेवर वो अभी तक उसका साबित भी नहीं हुआ लेकिन वो तो जेल में ही बैठा है ना तो उसमें और कॉन्वेक्ट के हालात तो सेम ही लग रही है क्योंकि okay, कॉन्विक्टजेंट जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया वो भी अंदर बैठा है ये भी भाई अंदर ही बैठा हुआ तो क्या आइडिया है तो गवर्नमेंट इस बारे में विचार कर रही है कि यार ये अंडर ट्रायल प्रिजनर को ना ज्यादा देर अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं रखना चाहिए फटाफट -फड़ इसकी जितनी जल्दी हो सकता है मतलब फटाफट -फड़, मतलब फुल स्पीड पे मत करो लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है इसका ट्रायल खत्म करो अदालती कार्रवाई खत्म करो दो में से एक काम खत्म करो या तो उसको आरोप सिद्ध करो तो आरोप सिद्ध हो गया प्रूवन प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उठा के जेल में डालो और दे दो उसकी सजा तो शुरू हो या फिर उसको घर जाने दो छुट्टी करो उस बेचारे की लेकिन हमारे यहां पर सिचुएशन कुछ और ही थी और जो रुस्तम जी साहब ने नोटिस किया उन्होंने नोटिस किया कि इन मुजफ्फरपुर वगैरह जेल्स में कुछ तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इतने समय तक जेल में हैं भाई थोड़ा सा घबराहट होगी तुम्हें इतने समय तक जेल में है कि सपोज जिस गुना की उनको सजा मिलने वाली है या मिलेगी या पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी वो जो मैक्सिमम सजा होनी थी ना मैक्सिमम सपोज किसी की गुना की सजा तीन साल है वो तीन साल से ज्यादा तो अंडर ट्रायल प्रिजनर ही बैठा हुआ है मतलब अभी तो सजा पूरी अभी तो सजा सुनाई भी नहीं गई बट उसने तो इतने तीन साल भुगत ही लिए

ओके, तो जेल में रह गया ये जब रिपोर्ट आई तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज में ये बात पब्लिश हो गई धमाका हो गया क्या यार ये हो क्या रहा? मतलब आंखों के सामने प्योर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है ये स्टोरी ये स्टोरी जब हुआ 1979 में जब पूरी देश को ये बात पता चल गई तो ये स्टोरी बैकग्राउंड समझने की कोशिश बड़ी जरूरी थी वन हंड्रेड परसेंट क्या मामला है जी ये 100 मामला है इलीगल कस्टडी का ये किस चीज का मामला है ये है इलीगल कस्टडी का आर्टिकल ट्वेंटी वन की है। सिंपल तो इन बहुत सारे और ऐसे एक दो नहीं थे ऐसे कई सौ हजारों प्रिजनर्स थे जो इन जेलों में बैठ थ, बैठे हुए थे इन कस्टडी में थे और इनका अंडर ट्रायल प्रिस्नर होते होते भी इनका सो कॉल्ड मैक्सिमम जो सजा थी उससे ज्यादा ये बेचारे जेल में बैठे हुए थे इनमें से एक थी मैडम हुसैनारा खातून ओके okay. हुन आरा खातून जब जब कोर्ट में केसेस बनाए जाते हैं ना तो ऐसे सबके नाम नहीं लिए जाते एक किसी का रिप्रेजेंटेटिव नेम ले लिया जाता हुनारा खातून उनमें से एक अंडर ट्रायल प्रिजनर थी और हुनारा खातून के नाम पर यह एक जनहित याचिका डाली गई अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई अब इसमें एक प्रॉब्लम और है खातून के साथ हुआ क्या है या फिर खातून के साथ जो और लोग हैं उनके साथ हुआ क्या है पहले उनके साथ हुआ है आर्टिकल 21 वन की वायोलेशन आर्टिकल ट्वेंटी वन की वायोलेशन क्या होती है आर्टिकल ट्वेंटी वन की वायोलेशन मतलब उनकी इन कस्टडी होती है इीगल कस्टडी मतलब क्या होता है अरे इलीगल कस्टडी मतलब उनकी पर्सनल लिबर्टी ले ली गई है ओके पर्सनल लिबर्टी ले भी तो सकते हैं। अरे पर्सनल लिबर्टी ले नहीं सकते ना जब तक तुम प्रोसीजर करते अच्छा, नहीं हुआ तो आप क्या करें तो भैया उनकी इीगल कस्टडी से उनको बचाओ कैसे बचाओगे बाय मूविंग रिट पिटिशन और उस रिट पिटिशन का नाम है क्या नाम है उसका उसका नाम है हेबियस कॉपस हेबियस कॉपस वो रेट है जो आर्टिकल 32 टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मूव किया जा सकता है आर्टिकल 32 टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मूव किया जा सकता है अगर किसी का आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है तो कौन सा रेट मूव करेंगे जी रेट मूव करेंगे हेबियस कॉपस इसीलिए हुसैन आरा खातून केस का दूसरा नाम हो गया हेबियस कॉपस केस अब तुम लोगों के मन में आ तो रहा होगा ओके पता नहीं आ भी रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा अगर तुम ध्यान से सुन रहे होंगे तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही होगी तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यार सर आपने ये स्टार्ट किया था एडवोकेट कपिला हिंगो रानी मैडम पर स्टोरी लेकिन आप तो हुसैन रखा खातून केस की बात करने लगे हो इसमें कपिला हिंगो रानी मैडम कहां से आई अब प्रॉब्लम यह है कि हुसैन और खातून और वो बहुत सारे लोग जो इलीगल कस्टडी में वो तो जेल के अंदर है करेक्ट तो उनके बिहाफ पर कौन पैरवी करेगा कौन भाग दौड़ करेगा कौन केस को कोर्ट में सेटिस्फाई करेगा यहां पर आता है एक और कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस टैंडाई लोकस टैंडा से अगर हेबियस कॉपस अगर हेबियस कॉपस के खासकर केस में Suppose, तुम्हारी इलीगल कस्टडी है तुम ही किडनेप्ट हो तुम ही जेल में हो तो कौन लड़ेगा तुम्हारा केस कोई नहीं लड़ेगा अरे कोई नहीं लड़ेगा क्या ऑन बिहाफ ऑफ यू कोई और लड़ सकता है ऑन बिहाफ ऑफ यू कोई और लड़ सकता है इन अदरवर्स तुम्हारे कोपस में लोकस standi, लोकस standi यानी कि तुम्हारे खुद के होने की जरूरत नहीं है लोकस टैंडाई मीन्स वॉट इज योर पोजिशन इन द कोर्ट तौर पे दो कोई भी केस होता है अगर मेरे को चक्कर है मेरी कोई लड़ाई चल रही है तो मेरा होना जरूरी है ओके okay, कोई चौथा आदमी मेरे लिए नहीं लड़ेगा एंड अदर्स ने जो पी आई एल फाइल हुआ वो हुआ स्टेट ऑफ बिहार के खिलाफ वर्सेस द होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार और जस्टिस पी एन भगवती

पीआईएल एक पीआईएल की बाढ़ आ गई इट वाज अ बाढ़ राइट और वो बाढ़ ऐसी थी राइट right? कि हजारों हजारों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो कि इलीगल कस्टडी में थे उनको रिलीज किया गया देखो कौन कहता है कि आसमा में सुराख नहीं होता कौन कहता है कि आसमा में सुराख नहीं होता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो सो ये वाला कॉन्टेक्स्ट था कि किसी ने सोचा नहीं था कि एक एक केस इतने सारे हजारों हजारों लोगों को इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्टी टू थर्टी फाइव थाउजेंड पीपल हु कस्टडी और हुर अंडर द सिचुएशन ऑफ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन इस एक केस से रिलीज हुआ सो हिंगो रानी मोस्ट नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन लॉ एंड सोसाइटी वॉज द इनिशिएशन ऑफ द यूनिक रेमेडियल जोर Of PILs in India. In 1979, she was the first Indian to ever file and argue a PIL in the Supreme Court. Her case lifted the veil on under trial prisoners who were languishing in jail for long periods of time, which often exceeded the period of time they would have been in jail had they been tried, convicted, and even given maximum sentence. Before her, as per prevailing laws, only a victim or relative could file a petition.

कोई जरूरत नहीं थी टू गो ऑल द वे फॉर सुप्रीम कोर्ट को नमन करना चाहिए थैंक यू बोलना चाहिए हम सब लोगों ने क्योंकि उन्होंने टेक्निकलिटी को बीच में नहीं आने दिया अगर वो लोकल स्टैंड है कि जी उस विक्टिम को लेकर ओके okay, या उस विक्टिम के रिलेटिव को लेकर आओ तब तो केस होगा तब तक हमने अलाउ करते डू यू रियलाइज इट वुड हैव लेड टू फेलियर ऑफ जस्टिस बट उन्होंने अलाउ किया कि नो नहीं आए कोई बात नहीं द विक्टिम जो इसके ऊपर खुद ये प्रॉब्लम आ रही है उनको छोड़ दो कोई बात नहीं उनके रिलेटिव नहीं आ रहे कोई बात नहीं यू कॉन्टेस्ट दिस मैटर इवन विदाउट द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल स्टैंड ये ऐसे वर्ड्स लिखकर आओगे ना एग्जाम में तब आंसर बनेगा धमाकेदार ओके okay. ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ लिख लिखकर आ जाता है वो पता नहीं, आर्टिकल 21 कुछ आता जाता नहीं है तो लोग गड़बड़ कर देते हैं घबरा an जाए क्या बच्चे ने लिखा है अब इसको एक और पॉइंट से कनेक्ट किया जा सकता है क्या आपको नहीं लगता कि एक साल दो साल पांच साल दस साल केस चल रहा है ये अपने आप में आर्टिकल ट्वेंटी की है। अपने आप में एक हेडेक है, ले। अब दूसरी तरफ मजबूरी भी है मजबूर है, है और वहां भी क्यों क्योंकि पेंडेंसी इतनी ज़्यादा हमारे कोर्ट्स में इतनी भीड़ है इतनी पेंडेंसी होते करोड़ एक, एक मैंने ग्राफ बनाया था क्लासेस में दिखाया था तो उसमें ऐसा इन सुप्रीम कोर्ट फिर लैक्स में आ जाता है हाई कोर्ट और करोड़ में आ जाता है इन केस ऑफ सब तो ये डेटा तुम्हें बड़े आराम से मिल जाएगा तो तुम्हें यार, करोड़ इन बारी नहीं आएगी जस्टिस की बारी नहीं आएगी तो कहीं ये अपने आप में आर्टिकल ट्वेंटी वन की वायोलेशन तो नहीं है हाँ लग तो तो ये भी एक सोचा गया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इसको क्या बोलते हैं राइट टू स्पीडी ट्रायल स्पीडी ट्रायल मतलब जल्दी करो यार ट्रायल खत्म करना तुम्हें फैसला देना है ना राइट टू स्पीडी ट्रायल भी एक तरह से फंडामेंटल राइट right है, इनफैक्ट इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारी ऑब्जर्वेशन में जजमेंट्स में आ गया है दैट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट द स्टेट नॉट अवॉइड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड स्पीडी ट्रायल

सबसे मेरा मेरा ताज ओके इज द कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को बोलता है आर्टिकल ट्वेंटी बोलता है नहीं देने देंगे हम लोग तुम्हारी लिबर्टी नहीं जाने देंगे विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और अगर तुमने ये सब वायोलेट करा है तो और तो तुम इंप्रूव करो भैया ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है द स्टेट इज अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल एंड वॉट एवर इज नेसेसरी लाइन देखो वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर दिस पर्प हेज टू बी डन बाय द स्टेट it is also the constitutional obligation of this court as a guardian of the fundamental rights of the people as a sentinel of the QI to enforce the fundamental right of the accused to speedy trial by issuing the necessary directions to the state which may include taking of positive action such as augmenting and strengthening the investigative machinery setting up new courts building new courthouses appointment of additional judges and other measures कैलकुलेटेड टू एंश्योर स्पीडी ट्रायल ये होता है किंग मेकर का इफेक्ट वेन यू राइट एन आंसर लाइक दिस इट इजी फोर कैरेटर जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी है जिसमें आर्टिकल्स जिस लिखे हुए हैं जिसमें एक एक वर्ड है सिर्फ ऊपर से उसे ना रखा तो उन वर्ड ऐसे तो ज्यादातर लोगों को वो भी नहीं आता ओके okay, तो वी हैव टू थैंक दो वॉरियर्स ये लड़ाई है ये जंग है राइट इसलिए बोलते हैं ना केसेस लड़े जाते हैं तो, तो जस्टिस के लिए भिड़ना होता है राइट और जब तक हम एक एक चीज को एक एक एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एकफी का अचीव नहीं करेंगे जब तक हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपने पूरे नहीं करेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं और ना ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रुकेगा इन्होंने कितना अच्छा वर्ड यूज किया वी आर द कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया गया मेरा बड़ी अच्छी लाइन थी under... दिखना फंडामेंटल uh. ah, as गार्डियन कस्टोडियन the fundamental का guardian custodian 2015 का क्वेश्चन था विच फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया आंसर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड गेट द पिक्चर वेरी वेरी क्लियर अब तुम्हें समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे टाइम right. पास में नहीं पढ़ लिया जाता रख लो फो फो क्या सब्जेक्ट सिंप्लीफाई किया जाता है सब्जेक्ट ईजी नहीं बनाया जाता सब्जेक्ट सिंप्लीफाई करते हम लोग ट्रिवियलाइज नहीं करने देते हम लोग सब्जेक्ट को उड़ने नहीं देते हवा से सो अगर तुम ऐसे फायदा करना चाहते हो ऐसा पढ़ना चाहते हो तो घर बैठ के इंतजार मत करो हो एक अटेम्प्ट ले लिया दूसरा भी हो गया तीसरा भी हो गया हम फेल हो गए यूपीएससी टफ है अरे कोशिश ही नहीं की तुमने सो इफ यू वांट टू ज्वाइन और मैं बार बार बोलूंगा ये मेरा भी भी फर्ज है कि जब मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं तो मैं तुम्हें यह भी बात बताऊं कि तुम ये मौका जाने मत दो तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि मेक श्योर दैट यू यूज द कोर्स कोर्ट से थर्टी सिक्स मंथ कोर्स लो ट्वेंटी मंथ कोर्स लो एटीन मंथ लो ट्वेल्व मंथ लो सेव योर मनी देखो यह ओरिजिनल प्राइस है और यह आफ्टर टेन परसेंट ऑफ है अमाउंट ऑफ मनी सेव अनबिलीवेबल यूज द कोड्स एल आईवी मेरा रेफरल कोड यूज करो तुम्हें एक अलग ही एहसास होगा कि इस एग्जाम की प्रिपेरेशन करनी कैसे होती है उसी तरह से यूपीएससी मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री चल रहा है यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट सो ऑल्सो हमने एक इरादा बनाया कि थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे ऑन द यूपीएससी सी एस सी ऑप्शनल वी विल ट्राई एंड एनशोर दिसरस्टैंड दिस तो स्पीडी ट्रायल पर मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगा खत्म हो गई क्लास ऐसे थोड़ा खत्म हो जाएगी सो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए राइट टू स्पीडी ट्रायल पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आ जाए बट हम लोग तो किंग मेकर सीरीज चल रही है ना तो मैं तुम्हें तो राजा बना रहा हूं राजा को तो हर सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ेगा तो जब राजा बन रही रहे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे

जस्टिस हमेशा जायज होता है जस्टिस हमेशा फेयर होता है justice हमेशा रीजनेबल होता है। अगर जस्टिस उस तरह से आपने रीजनेबल नहीं बनाया तो आप जो आर्टिकल 21 का स्पिरिट है, वो कर बैठे हो दीटेड्यूशनल राइट टू स्पीड स्टेट कि जी हमारे पास तो फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है आज एक तारीख लगी अगली तारीख आठ महीने बाद लगेगी अगली तारीख बीस महीने बाद लगेगी Tarik pe tarik tarik pe tarik, sorry that is not what is the sequence here article 21 makes clearly mentioned it. article 21 confers fundamental right on every person not to be deprived of his life or liberty except in accordance with the procedure prescribed by law and it is not enough to constitute compliance with the requirement of that article that some semblance of a procedure should be prescribed by law but that the procedure should be रीजनेबल फेयर एंड जस्ट वॉला दिस इज कॉल्ड ट्वेंटी फोर कैरेट सॉलिड टीचिंग प्रोसीजर मत बोलो सिर्फ प्रोसीजर बोल के नहीं छोड़ दो तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ स्टेट तुम्हारा काम तब सिर्फ प्रोसीजर प्रोसीजर नहीं प्रोसीजर तो बना दिया ये देखो कि वो प्रोसीजर एक्चुअली सही में जायज प्रोसीजर है या नहीं रीजनेबल है या नहीं फेयर है या नहीं जस्ट है नहीं जब तुम ऐसा आंसर लिखोगे ना माई फ्रेंड एग्जामिनर सब आंखें चल जाएगी वाहो यार बच्चे को सब्जेक्ट समझ में आ गया भाई राइट right. कि इट इज नॉट मियरली रट्टा ओके मैं टीचिंग कर दू टीचिंग तो भैया हर तरह की टीचिंग होती 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 है 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 टीचिंग टीचिंग ये भी पढ़ा दिया जी, कोर्स खत्म हो okay जी भाई फिर एक होती है जो कैरेट जान लगा दो यार मैं ये टॉपिक पांच मिनट में खत्म करूं और बोलो जी तुम्हारा सिलेबस खत्म हो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तुम्हारे एग्जाम का कोई फायदा ही नहीं हुआ क्या सेंस हुआ डजन मैटर इसीलिए दैट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट शुड बी रीजनेबल फेयर फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो तुम क्या करते हो तो जी हम तो कोर्ट जाएंगे इन वर्ड्स तुम्हारे पास रिट डबू आर आई टी का ऑप्शन ओपन होगा सो आर्टिकल ट्वेंटी तुम लोग पढ़ लो राइट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और, और इसपे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ओके okay, ये हमने कितने बार क्वेश्चन इनफैक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था एक बार आया था 2019 में इफ आई एम नॉट रॉंग राइट टू मैरी राइट टू फेथ एंड राइट टू मैरी अ पर्सन्स ऑफ वन चॉइस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 है राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 है सो so, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू राइट टू ऑफ आर्टिकल 21 आ रहे और बहुत उम्मीद है मेरे को मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन आर्टिकल 21 से रिलेटेड राइट टू डेटा प्रोटेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है स्पीडी ट्रायल में क्वेश्चन आ सकता है मेक श्योर दैट आप इसको पढ़ लो राइट टू प्राइवेसी आधार जजमेंट ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं मेक श्योर कि तुम्हें ये कंप्लीटली आना चाहिए सो so, हुसैन खातून वज स्टेट ऑफ बिहार में और राइट right, हमें थोड़े बहुत वर्थ समझने चाहिए मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर तुम इसको कॉन्सेप्ट करेंगे दिस इज द ग्रेट जस्टिस पी एन भगवती राइट जो जिन्होंने ये दरवाजे खुलवा दिए ओके सो okay? so, एक होता है कि आप लड़ गए एक होता है कि आपने जाके आर्ग्यूमेंट की और दूसरी तरफ होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सो वी शुड से साइलेंट थैंक्स टू दीज ग्रेट जजेस जस्टिस भगवती जस्टिस वी कृष्णा या जस्टिस चिन्हप्पा जिन्होंने दरवाजे खोल दिए एक बार इनकी ऑब्जर्वेशन और वॉट अ ब्यूटिफुल ऑब्जर्वेशन एन आई कोर्ट एन एम कोटिंग ओके वॉट फेथ कैन दी लॉस सोल्स है जुडिशल सिस्टम which denies them a bare trial for so many years and keeps them behind bars not because they are guilty Jail mein rakha gaya hai because they are guilty but because they are too poor to afford bail and the courts have no time to try them it is a travesty of justice that many poor accused little indians are forced into long cellular servitude for little offenses because the bail procedure is beyond their meager means

Or you can win those prizes. So don't forget, I hope you have enjoyed this. This is Sid Life, right? And make sure that you are a part of this, right? In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you, and Jai